नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपेश। मैं अभी खड़ा हूं जमालपुर स्टेशन पर। यहां काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अभी इस वक्त बारिश थम गई है। अब हम आपको लेकर चलते हैं। हमारी ट्रेन अब यहां से खुलने वाली है, सिग्नल हो चुका है। चलेंगे, हम आप सबको लेकर चलेंगे जमालपुर टनल की ओर। दिखाएंगे पूरा नज़ारा किस तरह का दिखता है। हम वहाँ से अभी, आपने जो अभी अर्धनिर्मित ढांचा देखा वो एक फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। अभी आप सबको हम आगे लेकर चलते हैं। ये बगल में रामपुर हाट गया पैसेंजर खड़ी है जो कि डाउन में आई है। ये जो सामने आप देख रहे हैं लाल रंग का इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, ये वैप 4 है। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसके वजह से पूरा यहाँ से वहाँ तक भीगी हुई है, पूरा प्लेटफॉर्म भीगा हुआ है। ये सामने पैनल केबिन है, बहुत पुराना पैनल केबिन है जिसमें कि लीवर के द्वारा ट्रैक को चेंज किया जाता था, ट्रेन ट्रैक को। हम पहुंच चुके हैं रेलवे टनल के पास। अभी आप जैसा कि सामने देख रहे हैं ये नया टनल है। अभी जिससे हमारी ट्रेन गुजरेगी ये बहुत ही पुरानी टनल है, जब इस रूट पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी तब की है। 1853 या 54 के आसपास यहाँ भी रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया गया था। इस टनल का निर्माण 1856 ईस्वी में किया गया था। यह अंदर का नज़ारा है टनल के अंदर का। यह टनल इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन है, पूरा काला पत्थर है पूरा का पूरा, जिससे निर्माण के लिए उत्कृष्ट पत्थर माना जाता है। लेकिन इसकी खुदाई पे वन विभाग द्वारा रोक लगा दिया गया है। इसकी दीवारों पर जो रिटेनिंग वॉल बनाया गया है ताकि मिट्टी ऊपर से ट्रैक के ऊपर ना आ जाए। पूरा मुंगेर में स्थित पर्यटन स्थलों की झांकी बनाई गई है पूरे रिटेनिंग वॉल पे। सामने से एक ट्रेन आ रही है जिसका हॉर्न अभी बजा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे स्पीड लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है 70 KMPH। मालगाड़ी आ चुकी है सामने में WAG-7 लोकोमोटिव के साथ। पहले इस जगह पर सिंगल लेन ही था लेकिन बाद में इसे डबल लेन कर दिया गया। ये सामने जो मालगाड़ी गुजरी इसके ये नया रेलवे लाइन बिछाई गई है, नई पटरियाँ। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ हैं, काली पहाड़। बारिश का मौसम है जिस वजह से यहाँ धान वगैरह अभी लगाया जाएगा। ये पाटम होल्ट सामने अभी आने वाली है, आ चुकी है लगभग। हम अभी पाटम होल्ट को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, ये नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। हमारी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है।